मनस्वी रवि ओके उठा के उसे ड्रम पर लाना है लेना तो ले लेंगे कैसे जाए रेडी हो तो सबसे अच्छा है आप उठाना वो दिख रहा है वो अरे बेटा नीचे से सब्जी डालो ना कुछ डाल दो उसको रोहिता जी वो बॉटल थोड़ा अपना ये बड़ी वाली इधर कर फोकस इधर रखना इधर समोसे के ऊपर अच्छा केस करके फोकस फोकस हां ट्रॉली लेंगे तो फिर नीचे जाकर के कट जाएगा थोड़ा ज्यादा समोसे हो गए यस फोकस आगे आएगा तो फोकस जाएगा विधान फोकस नहीं
बाबा का जी रेडी है? रेडी या रोल रोल है। ये सब आपने नीचे से समझे करके उसको आपने उठाया। वाह क्या बात है, क्या खूबसूरत पकौड़े हैं। कंटा से क्या खुशबू आ रही से। नहीं है नहीं पर वो फील्ड में नहीं है, आउट ब्लॉक जा रहा है। कट इट। ओके और क्या? अभिनव जी आप भी थोड़ा इनपुट दीजिए। क्या खुशबू निकलेगी, ऐसी खुशबू निकलेगी, ऐसी खुशबू निकलेगी सब। और वो खुशबू निकलेगी और फिर ये हमारा ये जो बॉटल है ना, ये सिंपल सिंपलीफिकेशन। ये बॉटल देखिए, दिस इज द बॉटल। और ये बॉटल जो है ऐसे के ऐसे अपनी कैन में भी आता है, कैन में। और उसके बाद ना इसमें से फिर हम इसमें समोसे भी निकालेंगे, पूरियां भी निकालेंगे। ये ऐड शूट कर रहे क्या? पकौड़े हैं बिल्कुल, ऊपर वाला पकौड़ा अभी तक दिख रहा है, नजर आ रहा है। क्या बात है, कितने खूबसूरत पकौड़े के। वन मोर करेंगे हम लोग, ऊपर वाला पकौड़ा निकाल दो, ऊपर वाला टॉप वाला पकौड़ा निकाल दो। चलिए बेटा रोले एक्शन। अरे वाह क्या खूबसूरत पकौड़े, वाह फैंटास्टिक नीचे करेंगे ना सिंपली फ्रेश जो है वो बीएन ग्रुप का एडिबल ऑयल का सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सभी तरीके के 5 से 6 तरीके के हमारे तेल आते हैं जो कि हमारे नॉर्दर्न इंडिया में सभी मार्केट्स को कैटर करते हैं। ये जो तेल है ये आपके रोज़ाना के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाने के काम आते हैं। और सिंपली फ्रेश जो है हमारा ये लीडिंग ब्रांड है ऑल ओवर द यूपी, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और कुछ पार्ट ऑफ दिल्ली एंड पंजाब में हमारा जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके थ्रू हम लोग इसको प्रोवाइड कराते हैं हर एक घर में। हमारा जो कंपनी है बीएन ग्रुप जो है उसमें बीएन एग्रीटेक लिमिटेड जो है ये हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और इस कंपनी के चेयरमैन मेरे फादर अजय कुमार अग्रवाल जी और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर अनुभव अग्रवाल और वन ऑफ द मेन की पर्सन आशिमा जी जो है हम लोग इस कंपनी को चलाते हैं। और इस कंपनी के अंदर बेसिकली हमारे पास में 875 टन की रिफाइनिंग कैपेसिटी है कांडला पोर्ट पे जो कि गुजरात के अंदर है। हमारा जो प्लांट है वो गुजरात कांडला पोर्ट से करीब 15 किलोमीटर दूरी पे लगा हुआ है। हमारे जो ऑयल्स जो हम लोग बनाते हैं वो सभी तरीके के ऑयल्स हैं, इम्पोर्टेड ऑयल्स और डोमेस्टिक ऑयल। इम्पोर्टेड ऑयल्स में हमारे पास में सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पाम ऑयल, ये सभी तरीके के ऑयल हमारे जो है वो हम लोग रिफ़ाइन करते हैं। क्रूड ऑयल बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, मार्केट में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रिफाइनिंग होने के बाद में इसको पैकेजिंग करते हैं, पैकेजिंग होने के बाद में इसको अलग अलग हमारे करीब 32 SKU है जिसके अंदर हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आज की तारीख में ये हम लोगों ने जो व्यापार है 2011 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। सिंपली फ्रेश का जो जन्म था वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश से हमारे आगरा से हम लोगों ने इसको किया था। हम लोगों ने आगरा में 50 टन की पैकेजिंग यूनिट डाली थी, वहाँ से हमारा ये सपना था कि हम इसको वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड जो है वो इंडिया के अंदर बनाएंगे। और अभी आने वाले 2030 तक हम लोग इस चीज़ को फोरकास्ट कर रहे हैं और इसके ऊपर डट के मेहनत कर रहे हैं कि हम लोग कम से कम नॉर्दर्न इंडिया का 10% मार्केट शेयर जो है वो इस ब्रांड के अंदर आपको
देंगे। अभी हम लोगों का नया जो हम लोग ये आज जो हम शूट कर रहे हैं वो इस ब्रांड के लिए है, जिससे कि हम इस ब्रांड की आप लोगों तक इसकी पहुंच जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इसके बारे में जागरूक कर पाए, पब्लिक को जागरूक कर पाए और अच्छे से अच्छा सेहतमंद ऑयल जो है हम पब्लिक को दे पाए। आज के एड शूट करने जाना चाहूंगा, सौम्या जी हैं इस एड का हिस्सा, बहुत पॉपुलर फिगर हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या रीजन रहा है उनको एसोसिएट करने के ब्रांड से? सौम्या जी जो है वो बेसिकली मेरे को मेरे फादर ने इसके बारे में उनको उन्होंने बोला था कि आप सौम्या जी को लेके आइए, क्योंकि सौम्या जी अभी एक सीरियल में भाभी जी घर पे है, जो एक सीरियल काफ़ी पॉपुलर है, आप सभी लोगों ने भी इसको वॉच किया होगा, उसके अंदर एक गृहिणी का रोल कर रहे हैं, जो हमारे कानपुर साइड में हमारा मतलब उस सीरियल के अंदर भी दिखाया गया कि वो कानपुर बेस्ड है, तो हमारा क्योंकि हमारा जन्म उत्तर प्रदेश से है और हमारा जो प्रोडक्ट है उसका भी जन्म उत्तर प्रदेश से है और हमारा बहुत बड़ा मार्केट है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो हमें लगता है कि सभी गृहिणियों के पास में इसको जब हम सौम्या जी इसको शूट करती हैं तो और इसको प्रमोट करती हैं तो उससे एक पॉजिटिव फीडबैक ऑयल के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में जाता है, और सौम्या जी जब उसको दिखा रही हैं प्रमोट कर रही हैं ऑयल को, तो उससे लोगों को ये भी मालूम पड़ता है कि ये एक हेल्दी ऑयल है और इसको खाने से आपकी जो परिवार के अंदर जो आपके जो परिवार है पूरा वो हेल्थ से आप लोग बेसिकली जागरूक ज़्यादा होंगे। इसके साथ आलोक नाथ जी भी हैं, वेटरन एक्टर हैं, काफ़ी पॉपुलर फिगर हैं, उनके बारे में बताइए कि कैसा सिचुएशन है। आलोक नाथ जी जो है बेसिकली आलोक नाथ जी भी हमारे मतलब उनका शुरुआत से देखते हैं कि मैंने प्यार किया कि मूवी से हम स्टार्ट देखते हैं, तो उनका बाऊजी का रोल है, तो बेसिकली उनको हम लोग इसीलिए लेके आए हैं इसके अंदर, क्योंकि हम लोग ये चीज़ दिखाना चाहते हैं कि ना ही सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि हमारे जो घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए भी ये जो ऑयल है ये बेसिकली बहुत हेल्दी है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने जिस तरह से हम लोग इसकी रिफाइनिंग करते हैं वो बेसिकली फिज़िकल रिफाइनिंग करते हैं जो कि बेसिकली केमिकल रहित है, और उसकी वजह से ये सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत अच्छा ऑयल माना जाता है। सर, कुछ आपके बारे में जानना चाहूँगी, आपने शुरुआत कैसे की थी, क्योंकि शुरुआत ही बहुत मतलब चैलेंजिंग होती है, और बाद में इस मुकाम तक पहुँचना कैसा लग रहा है आपको? कि कोई भी व्यापार चालू करने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है कि उस व्यापार का भविष्य कैसा है। तो ये जो खाद्य तेल का व्यापार है ये कुछ ही लोगों के हाथ में है इंडिया में, अगर आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी जैसे कंपनियाँ हैं, लीडिंग ब्रांड्स हैं, तो हमने देखा कि इसके अंदर छोटे ब्रांड लोग जो हैं वो अभी इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं, तो हमने इसको स्टार्ट किया काम को। जिस समय हमने काम स्टार्ट किया तो जैसे कि अभी हमारे एमडी जी ने बताया कि हमने एक 50 टन से इसको स्टार्ट किया, क्योंकि छोटे से ही किसी भी वृक्ष को बड़ा किया जा सकता है, तो हमने 50 से स्टार्ट किया, 50 से 100 पर लाए, फिर 150-200 तक ले गए हम मंथली, तो हमको ये महसूस हुआ कि अभी तक हम तेल जो है वो दूसरों से बना बनाया खरीदते हैं, तो क्यों ना हम इसको तेल को खुद से बनाएं। तो इसके लिए सबसे परफेक्ट प्लेस हमने ढूंढा गांधीधाम कच्छ, जो कि हमारा कांडला पोर्ट है, क्योंकि कोई भी रिफाइनरी या कोई भी प्रोडक्ट वहीं पर कामयाब हो सकता है जब उसका रॉ मटेरियल उसके पास होगा, क्योंकि ये सारे तेल जो हैं विदेशों से आयात होते हैं, तो हमने इसको प्रोडक्ट के लिए एक अपनी रिफाइनिंग यूनिट लगाई। शुरू में हमने इस रिफाइनिंग यूनिट को 500 टन पर लगाया, फिर हमने इसको जब देखा कि हमारी डिमांड 500 टन से पूरी नहीं हो रही है पूरी, तो हमने इसको बढ़ा करके 875 टन पर ले आए, और आज हमारा फुल फ्लैश ये प्लांट चल रहा है और पैकिंग भी हमारी बहुत अच्छी क्वांटिटी में बिक रही है, क्योंकि हम इसके ऊपर एक चैनल बना के इसको बेचते हैं। सबसे पहले हम वहाँ डिपो खोलते हैं जिस एरिया में डिमांड होती है, डिपो के बाद में फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता है। मैं आपसे चाहूँगा, आज के टाइम में काफ़ी सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, अभी नायका की फाल्गुनी नायर बिलियन डॉलर कंपनी खोल चुकी, आप बताइए खुद के बारे में कि कितना ज़्यादा इंकरेजिंग लगता है जब आपको एसोसिएट हुई, आप जो भी कहना चाहते हैं कहिए, मतलब नायका के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, नायका इज अ गुड ब्रांड, ऑयल सिंपली फ्रेंच इस ऑयल को यूज़ करके बहुत अच्छा है,
एज अ वुमेन इट्स वेरी गुड फॉर आर हेल्थ ऑल्सो, इट्स गुड इन द हाउस ऑल्सो, एवरी लेडी कैन यूज दिस ऑयल, इट्स वेरी गुड. एंड विपुल रॉय जी के बारे में, विपुल रॉय जी बेसिकली, विपुल रॉय जो है वो हमारे इस प्रोडक्ट का जो शूट कर रहे हैं उस, मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सौम्या जी को हम लोगों ने लिया और आलोकनाथ जी को लिया, तो बेसिकली हम लोग यही बताना चाहते हैं कि एक हेल्दी पर्सनैलिटी है जो अगर आज की तारीख में एक अच्छे फेमस उनका मतलब चेहरा जो है वो भी काफ़ी फेमस है टेलीविज़न के ऊपर, तो एक अच्छा मैसेज जाता है. फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सेलिब्रिटी को लेके या पहले भी? या हम लोग फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और इससे पहले हम लोगों ने अभी इसको रीजनल लेवल पे ही हम लोगों ने इसको प्रमोट किया है, तो अब जो है हम लोग इसको मतलब बॉलीवुड एक्टर्स को लेकर के जो आगे बढ़ रहे हैं, तो विजन जैसे कि मैंने आपको बताया कि आगे जा कर के बढ़ने का ही है, तो हम लोगों ने ये फर्स्ट टाइम अभी शूट किया है और इसका रिस्पॉन्स मैं सोचता हूँ कि अच्छा ही आना चाहिए. और लेआउट ही नहीं किया मैंने, वो क्या लेंस इसलिए क्या करके हम लोग क्या अभी 35 लगाऊंगा बच्चों को बुलाओ, बच्चे क्या है मनस्वी को बुलाओ, बुलाओ इधर से ज्यादा खुलने वाला नहीं है. ओके ये भी रख रहे हैं सारे मीडिया के लोग हैं अपने और उनको उनका रनिंग जो है ना बेसिकली नीचे से छाप रहता हूँ. बाबूजी आप देखिए खाने का कमाल. अरे वाह अब तो सब खींचे चले आएंगे. सिंपली फ्रेश ऑयल का कमाल है. बिल्कुल, बिल्कुल. अरे वाह अरे वाह इस खाने की खुशबू ही अलग है, जो भी खाएगा बार बार याद करेगा. बढ़िया
बंद कर दो फिलहाल तो, बंद करो लाइट, बंद कर दो, शॉर्ट टेक हो रहा है, बंद कर दो। सचिन मूवमेंट कौन कर रहा है? चलेगी क्या तो लाइट वाले का? रोल साउंड कैमरा एक्शन। बाबूजी अब देखिए कमाल। अरे फोकस फोकस। अच्छा ये तो रोलिंग कैमरा रोलिंग एक्शन। बाबूजी अब देखिए कमाल। अरे अब तो सब खींचे चले आएंगे। बढ़िया फैंटास्टिक। वन मोर वन मोर। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ग्लास उठा दीजिए शॉट के लिए, फोकस नहीं लग रहा है। ठीक है ओके चलिए ऑर्डर। रोलिंग एक्शन। बाबूजी अब देखिए कमाल। अरे अब तो सब खींचे चले आएंगे। कट एक्शन। अरे वाह पूरी आ रही। कट 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 सब मिरर में सब उधर है। कैमरा प्लेबैक करो पीछे मिरर। अरे शर्मा ने क्या बात है? अच्छा मैम आपसे जानना चाहूँगा व्हाट यू वांट टू से अबाउट द एटीट्यूड और सिंपली फ्रेश। काफ़ी यूनिक ब्रांड लग रहा है, क्या कुछ करना चाहूँगा? जी सिंपली फ्रेश जो है ये सोयाबीन ऑयल है। सोयाबीन ऑयल हेल्दी होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो वैसे भी क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं तो वैसे भी अपनी प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए सोयाबीन खाती हूँ। सोयाबीन इज़ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियंस। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और हमारी टीम बहुत अच्छी थी तो दैट इज़ वाई आई सेड येस टू इट। और हम एक यहाँ पर टेलीविजन कमर्शियल और प्रिंट शूट कर रहे हैं इसी प्रोडक्ट के लिए। How was the experience working with all the crew members? बहुत मज़ा आया। विपुल को तो मैं जानती हूँ, विपुल हमारे भाभी जी के सेट के बगल में ही इनकी भी शो की शूट हुआ करती थी तो हम वहाँ हमारी पहचान हुई और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपकी सरस्वल बारा जी जो इनकी कंपनी है ये इसके इस प्रोडक्ट के अलावा कई सारे और प्रोडक्ट्स बनाती है तो बहुत ही रिलायबल और ट्रस्टेड कंपनी है और नॉर्थ में खासकर इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बहुत मशहूर हैं तो क्रेडिबिलिटी है और चीज़ बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है तो आई एम वेरी हैप्पी टू डू दिस। और हमारे डायरेक्टर स्टाफ हैं यहाँ पर प्रभाकर जी, वो बहुत ही खूबसूरत फिल्म बना रहे हैं तो देखकर अच्छा लग रहा है। काम अच्छा होता है तो दिल खुश होता है आर्टिस्ट का। प्रभाकर जी के साथ बहुत मज़ा आया काम करके, हंसते खेलते हमारी शूट हो रही है और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि काम बहुत अच्छा हो रहा है, हम अच्छे लग रहे हैं और बहुत खूबसूरती से लाइटिंग की गई है और क्लाइंट्स हमारे बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। सर आपसे जानना चाहूँगा ऑयल के बारे में कुछ बता सकते हैं? अभी सौम्य ने बताया क्लाइंट्स इतने फ्रेंडली हैं कि जो नाम है सिंपली फ्रेश ताज़े तेल का यानी सिंपली फ्रेश तेल का और एक खुशहाल परिवार के खाने का एक बहुत पुराना संबंध होता है। जो परिवार खुशी से खाता है वो परिवार यूनाइटेड भी रहता है, समृद्धि भी आती है। हाँ समृद्धि भी आती है। साथ ही में सोयाबीन ऑयल की जहाँ तक बात है वो तो अगर लोग, मैं हिस्ट्री का फ़ैन हूँ, बहुत पढ़ता हूँ हिस्ट्री, तो 2000 BCE में चाइनीज़ खाने में बताया गया था कि सोयाबीन ऑयल यूज़ होता है। तो हिस्ट्री तो सोयाबीन ऑयल की बहुत पुरानी है और ये जो नया ब्रांड है जिसको, ये नया नहीं है,
लेकिन रिटेल मार्केट में नया है, ये सालों से लोगों को सप्लाई करता आ रहा है एज अ होलसेलर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन अभी जब इन्होंने खुद कदम बढ़ाया है तो हम इनके साथ हैं और उम्मीद है ये ब्रांड बहुत बड़ा बनेगा और हम हर ऐड करेंगे इनका है कि नहीं। मैं आपसे जानना चाहूँगा सिंपली फ्रेश ऑयल के बारे में, और मैम आपका पहला ऐड है और मैम को आपने कास्ट किया, क्या कुछ रीजन था इसके पीछे? देखिए सिंपली फ्रेश ऑयल जो है जिसका हम लोगों ने कास्ट किया है, ये बेसिकली सोयाबीन ऑयल है और इसके साथ साथ और भी काफ़ी प्रोडक्ट हैं हमारे, लेकिन जब सोयाबीन की बात करते हैं तो सोयाबीन ऑयल आजकल हम लोग काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि प्रोटीन्स की तरफ लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान है, सोयाबीन इज़ हाईली इन दिस, मतलब प्रोटीन लेवल जो होता है सोयाबीन का वो बहुत ज़्यादा होता है। और मैम जो है, मैम है, सर है, बेसिकली हम लोगों ने सौम्य मैम को, विपुल सर को जो अपने साथ में कास्ट किया है इस प्रोडक्ट के अंदर, हमारा बेसिक मैसेज जो है वो ये है कि इसको आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं और इसको अपने घर में यूज़ करने के साथ साथ आपको जो हेल्थ है उसको आप मतलब हम लोग इसमें एक मैसेज जो दे रहे हैं वो हेल्दी प्रोडक्ट का मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि आप एक अब देखते हैं कि बाबूजी का रोल भी कर रहे हैं आलोकनाथ जी, तो आप देख रहे हैं कि मतलब छोटे बच्चे से लेके बड़े बुज़ुर्ग तक इसको कंज्यूम कर सकते हैं और उससे आपको किसी भी तरह से हेल्थ में कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड वी हैव डन द R&D ऑल्सो ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड द टेक्निक्स वी आर यूजिंग आर वन ऑफ द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड। सुमन जी आपसे जानना चाहूँगा इस तरह के प्रोडक्ट शूट करते किस तरह की फीलिंग होती है और क्या कुछ ऐसा संदेश है जो आप अपने फैंस को भी पहुँचाना चाहते हो? मुझे ऐसा लगता है कि खाना एक ऐसी चीज़ है जो परिवार को बांधती है और आजकल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस है, सभी लोग ये चाहते हैं कि हम बीमार पड़ने पहले के पहले ही प्रिकॉशन लें, तो खाने में हेल्थ अब हम ढूंढ रहे हैं, अब ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ गई है, अब लोग जब ज़्यादा अच्छा देखते हैं कि खाना अच्छा बना है वो तो ठीक है लेकिन खाना हेल्दी भी होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। और अब पहले हम कहा करते थे कि इंडियन किचन्स में जो है वो खाने इतने हेल्दी नहीं होते, लेकिन अब रुझान लोगों का छोटे से छोटे शहर में और छोटे से छोटे कस्बे में लोगों का ये ध्यान है कि खाना भले ही स्वादिष्ट हो लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि वो हेल्दी होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मैम आपके जो किरदार था भाभी जी का उसका एक और चेंज हुआ है, बट फैंस चाहते हैं आप फिर से वापस आ जाए, तो क्या कुछ उम्मीद हो सकती है भाभी जी करके सेट में आपको वापस देख पाएंगे कभी भी? हाँ अभी भी ऐसा मेरा कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है जहाँ लोग ये नहीं कहते कि आप वापस आ जाइए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत साल किया मैंने, 5.5 साल किया और मुझे ऐसा लगा कि एक खूबसूरत मोड़ पर आया है वो शो और उसे उस खूबसूरत मोड़ पे ही छोड़ देना चाहिए। तो आई मीन आई डोंट थिंक आई विल बी गोइंग बैक, बट ये बात बहुत आपने सही की कही कि बहुत सारे मेरे फैंस अभी भी मुझे हर रोज़ हर पोस्ट पर हर दिन ये सवाल करते हैं। Have you moved on from the show? Yeah, of course. We'll definitely. Never see you. No. Not in much. इसके अलावा कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आप करने पसंद करें, क्योंकि आपने 5.5 साल एक ऐसा किरदार निभाया जिसमें आपने छाप छोड़ी है जी, कोई ऐसा प्रोजेक्ट आने वाले समय में जो आपको पसंद हो और वो करना चाहते हैं? जी ज़रूर, देखिए कुछ कुछ चीज़ें चल रही हैं, देखिए आई विल डेफिनेटली अनाउंस इट। इसके अलावा कोई एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम योर साइड? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इफ आई साइन आई विल डेफिनेटली अनाउंस। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। फोटोग्राफ्स ले लीजिए भाई। सर आप लोग यहाँ पे देखेंगे। यस रेडी वन मोर लीजिए, थोड़ा सा कैमरा करता हूँ, थोड़ा कैमरा प्लीज ले रहा हूँ करता हूँ।
ओके सिंपली फ्रेश ऑयल के बारे में मैं जब कुछ जानना चाहूँगा एंड यू आर द होल एंड सोल ऑफ दिस ऑयल क्या कुछ कहना चाहूँगा सिंपली फ्रेश एक बहुत अच्छा तेल है अभी हम लोगों ने लॉन्च मतलब मार्केट में आया एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर आई मस्ट से दैट वन लेडी होम मेकर शुड यूज इट हैज ऑल द गुड हेल्थ बेनिफिट्स ऑल द विटामिन्स व्हिच ऑल एवरीवन शुड नीड इन टुडे सिनेरियो इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड इट हैज़ ऑल द मिनरल्स विटामिन ए बी सी डी ई एंड ऑल वी नीड इन आवर बॉडी एंड In this, we are providing 5-6 type of ranges in this oil, like cotton, mustard, rice bran, and this simple soya bean refined oil. So, plant जानना चाहूँगा कहाँ पे इसकी plant है और क्या कुछ मार्केट टारगेट ऑडियंस आपका होगा हम लोगों का मार्केट बेसिकली अभी नॉर्थ इंडिया में सब हमने कवर किया है लेकिन अब अभी हम इसको और बढ़ाना चाहते हैं भगवान की दुआ से हम इसको आगे ईस्टर्न में और अपना ये थोड़ा वेस्टर्न एरिया में भी हम इसको करना चाहते हैं अपने ऑयल्स को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं रिटेल थ्रू रिटेल्स ऑल्सो एंड नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग रिटेलिंग सेक्टर अर्लियर इट इज इन मैन्युफैक्चरिंग नाउ वी हैव गॉट द रिफाइनरी एंड व्हिच टेक्निक्स व्हिच वी आर यूजिंग इन दिस ऑयल दे ऑल आर वेरी प्योर टेक्निक्स मशीन्स आर एक्सट्रीमली गुड द रिसर्च वर्क मशीन रिसर्च इंडस्ट्री इज एक्सट्रीमली गुड टैलेंटेड एंड टोटली टोटल प्योर ऑयल इज देयर एंड इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ इट्स वेरी हेल्दी So I must suggest, I am also a good consumer of this product. I also use, so I suggest that every lady should use this soya bean oil because obviously soya bean is a protein. So we all need protein and protein is necessary for our health. So in this we get all type of necessary protein. So one should use this, I must suggest, soya bean. And today ad should be a soya bean ad. What do you want to say about it? Soya ji is a very... बहुत अच्छी फेमस एक्ट्रेस है थ्रू बाबी जी घर पर है सीरियल उनसे रिलेटेड एंड शी बिलोंग्स टू कानपुर आई थिंक सो वी आर चूजिंग हर बिकॉज वी नीड टू स्प्रेड आवर प्रोडक्ट थ्रू ऑल द नॉर्दर्न सेक्टर थ्रू हर फेमस पर्सनैलिटी वी आर प्रमोटिंग आवर प्रोडक्ट थ्रू द सेलिब्रिटी सो दैट आवर प्रोडक्ट शुड गेट मोर एंड मोर फेमस डे बाई डे एंड गुड गेट popularity so in future we can get on the websites also and we should be good online and we our company will try to get in launch an IPO also in this. yeah thank you so much all the best for your product thank you so much